स्टंड बोलो नहीं तेज आवाज में पैर मारिए अटेंशन हलिए प्रे पोजिशन प्रे स्टार्ट वन टू थ्री राष्ट्रगान के एक साथ आवाज में एक में और पूरा बोलेंगे स्टार्ट वन टू थ्री let position start चलिए सभी नॉमिनेटेड बच्चे आ जाएं सभी नॉमिनेट बच्चे क्लास थर्ड दौड़ते हुए आइए फटाफट फड़। जोर से बोलना मैक के पास मैक आकर चलते माय नेम इज मैक्चर Rajput, my father name is Mr. Jaipal Rajput. My mother name is Mrs. Rambati Rajput. I am reading class third. I wish to be DM in my life. Shavar, in this bad news. Bad. The paper which publish has news is called a newspaper. It gives us the latest news about the world. Thank you. Sundar. Next.

अच्छा कुछ बच्चे आए नहीं इसमें आज कल उनसे पूछेंगे जरा कुछ खबर लेंगे जो बच्चे नहीं आए आज चलिए नेक्स्ट आ जाइए पीटी वाले बच्चे राखी क्लास सिक्स राखी माय नेम इज़ राखी राजपूत क्लास सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन रेस्टेंट अटेंसन बहुत ही सुंदर पी टी और बहुत ही सुंदर बच्चों ने यहाँ पर बोला माइक पर ये बहुत बड़ी बच्चों उपलब्धि है आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए कि आप इतना अच्छा यहाँ पर बोल पा रहे हैं माइक पर और इस बड़े मंच पर बात नहीं बच्चों ध्यान से सुने अब तीन बच्चियां आ रही अपनी परफॉर्म करने के लिए बहुत ही छोटी छोटी बच्चियां हैं और सुंदर दिख रही हैं एकदम देखिए है। ये आपके सामने अपनी प्रतिभा को दिखाएंगी आ जाओ आगे आ जाओ शाबाश ओयम है ओय चलो ज़ोर से बोलना अच्छा तीनों आ जाओ साथ में इधर आ जाओ चल यहीं लग जाओ और पास में आओ माइक के जोर से बोलना चले रेडी स्टार्ट वन टू थ्री माय नेम इज रिफा माय नेम इज रौनक माय नेम इज चांदनी बहुत बढ़िया चलिए शुरू करिए बंदर मामा पहनो जामा टुमक टुमक ससुराल चले सिर पर टोपी गले में माला मिले बहुत बढ़िया बहुत सुंदर जोरदार तालियां <स्थाथ> अच्छा और कोई बच्चा है और कोई बच्चा जो यहाँ पर अपनी परफॉर्म करना चाहता है कोई गीत कोई कहानी कोई चुटकुला कोई और है है सुनाने के लिए रो रही हैं अरे तो ज़रूर भेजो बताओ ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ पे हैं कि जो ज़बरदस्ती आना चाहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बुलाया जाए तो नहीं आते हैं अरे बच्चे से कुछ सीखो भाई इससे कुछ हौसला लो बच्चों शाबाश बहुत बढ़िया थोड़ा तो थोड़ा तो तो माइक छोटा कर दें है ना अब ठीक है बोलो जोर से है। नाम बताओ पहले महा बहुत बढ़िया चू चू, चू, चू चाचा खड़ी पे चूआ नाच चकलीने ना इपतरा चूआ सरपतने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और है और है सुना जानी जनी अरे वाह लो मैं तो नज़र उतार दे रहा हूँ ये लो दो रुपए चीज़ खाने को शाबाश बहुत बढ़िया जाओ देखिए हमें ऐसे छोटे बच्चों से बच्चों हौसला लेना चाहिए सीखना चाहिए राशि बच्ची और कितना सुंदर कितनी हिचकी मधुर आवाज़ है और ये भी सुंदर है और सुंदर सुनाती भी है लेकिन जो कहीं ना कहीं बड़े बच्चे हैं ना वो इसको शर्माते हैं हिचकिचाते हैं माइक पर आने पर आने से इस मंच पर आने से बच्चों जब तक आप हिचकिचाएंगे शर्म करेंगे तब तक आपके अंदर का जो हुनर है ना जो आपके अंदर का टैलेंट है वो उभर के सामने नहीं आ सकता वो तभी सामने आएगा अपने अंदर के शर्म को निकाल के एक तरफ कर दो अपने अंदर का डर निकाल के एक तरफ कर दो तब आपका जो हुनर है जो टैलेंट है आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर निकल के आएगी समझ गया ना तो इस चीज़ को हमें सीखना चाहिए कुछ करना चाहिए पढ़े लिखे बच्चे कुछ कर पाते हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं घर में बैठे हैं कुछ और काम कर रहे हैं उनको कहाँ ऐसा नसीब मिल पाता है कि वो ऐसे मंच पर आके बोल पाएँ बेचारे अनजान है इस चीज़ से लेकिन आप लोग के पास सब सुविधा है सब कुछ मिल रहा है तब भी आप लोग पीछे हटना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए बस लुक एट मी प्लीज़ देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे हमें पता है बहुत गर्मी है फ्राइडे होने के बाद भी आज हम पी टी ज़्यादा नहीं कराएंगे एक पी टी होगी काफ़ी है ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो प्यारे बच्चों बस दो तीन बातें आपको बतानी हैं उसके बाद हम क्लास में बैठा देंगे थोड़ा सा सब्र रखिए आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस बार खूब एडमिशन हुआ है और रोज़ एडमिशन इस समय भी रोज़ एडमिशन चलने हैं। एक दो एक दो, दो चार रोज़ हो जाते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे स्कूल की जो विशेषताएं हैं हमारे स्कूल की जो अच्छाइयां हैं यहाँ का जो माहौल है यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उनका फ़र्क है यहाँ के जो काबिल और महाकाबिल भौतिक कर्मठ जुझारू जो, जो टीचर्स हैं ये उनकी देन है ये उनके जो पर, परिश्रम है मेहनत है उसका प्रणाम है कि आपके यहाँ रोज़ खूब मेहनत से खूब अच्छे से एडमिशन चल रहे हैं सपना तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा भी होगा और हम बताते भी हैं लेकिन एक बार फिर हम अपने विद्यालय के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कुछ हमारे यहाँ की जो हैं वो बताना चाहते हैं तो थोड़ा गौर देंगे गौर फरमाएंगे और इस बात को अपने आसपास अपने क्षेत्र में भी बताएंगे उसके बाद एक दो शब्द अगर सर कहना चाहेंगे तो कहेंगे वरना बैठा देंगे ठीक है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो देखो प्यारे बच्चों ये पंपलेट आपके क्षेत्र में गए होंगे ए एक मिनट ध्यान सुनिए वैसे तो सारी विशेषता आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ देना चाहता हूँ देखो सबसे पहला तो हमारे यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है और शांत माहौल में स्थित स्कूल है अपना देखो हर तरफ हरियाली है इधर पेड़ उधर पेड़ इधर पेड़ बस्ती घनी नहीं है घनी बस्ती में ज़्यादा माहौल ख़राब होता है लेकिन हम लोग प्राकृतिक माहौल में रहते हैं इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर देखिए उच्च क्वालिटी के, के सी कैमरे आपने देखा अभी लगे हुए हैं और आने वाले टाइम में हर रूम में कमरा हो कैमरा होगा कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है कौन शैतानी कर रहा है ये सब एक एक बच्चा नज़र में रहेगा इससे फ़ायदा क्या होगा पता है आप लोग अपना समय ख़राब नहीं करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे वरना सर के पास अब कैद हो रहा है सर आपको डांटेंगे हम आपको चिल्लाएंगे फटकारेंगे इससे आपके अंदर थोड़ा डर रहेगा जो कि जिससे कि आपका समय ख़राब ना हो आप ध्यान से पढ़ेंगे हर कमरे में एक एक कमरा लगाया जाएगा और देखो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा विशेष जोर देते हैं आप बच्चे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते हैं इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है और हमारी प्लानिंग चल रही है कि अब दो चार दिन में ही क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है कुछ फर्स्ट uh, क्लास तक तो इंग्लिश बोलने पर यानी इंग्लिश स्पीकिंग पर जोर दिया जाएगा बच्चों की मैं चाहूँगा सर से कि इस, इस, इसके लिए अलग से एक लेक्चर किसी टीचर का लगाया जाए जिससे कि थोड़ा सा बच्चों के अंदर बोलने का हौसला हो वैसे तो हमारे यहाँ के बच्चे बोलते हैं अच्छे हैं और यहाँ पर आपने देखा है मैं भी मुझे भी कई साल हो गए करीब पाँच छः साल होने जा रहा है मुझे यहाँ पढ़ाते हुए मैंने अच्छे से मनन चिंतन किया गौर किया इस बात पर कि हमारे क्षेत्र के कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बेचारे बीएससी, बीए, एमए वगैरह कर लेते हैं इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती कहीं ना कहीं मतलब कंपटीशन कोचिंग भी करते हैं तैयारी भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं बेचारे पीछे रह जाते हैं लेकिन अब यहाँ पर एक कंपटीशन क्लास स्टार्ट होने जा रही है थोड़े दिन में जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके क्षेत्र के हमारे विद्यार्थी जो हैं बेचारे दूर दूर भागते हैं कोई बरेली जा रहा है कोई फतेहगंज आ रहा है कोई मीरगंज आ रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ वो सारी सुविधाएँ आपको यहीं पर उपलब्ध होंगी और इसके लिए हम विद्यालय में भी अलग से जनरल नॉलेज का एक लेक्चर जी का एक लेक्चर और जिसमें कि रीजनिंग भी होती है यानी तार्किक जो होता है तर्क संगत वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको अलग से एक लेक्चर लगेगा उसमें आपको ये सब सीखने को मिलेगा और अब आपको देखो पता है अभी तक हमारे यहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी लेकिन इस साल हमने वाहन की सुविधा भी कर दी है बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा हो गई है ऑटो जाता है देखिए इधर कई गांव में होते हुए आता है बच्चों को लेकर आता है और अब एक ऑटो इधर भी जाने वाला है इस क्षेत्र में बाजिया साइड में इधर से ही बच्चे आएंगे ऑटो से बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं पहले दिक्कत हुआ करती थी एक तो हम सवारी नहीं दी थी और फिर यहाँ पर पुल नहीं बना हुआ था इससे बच्चों को बरसात के समय में दिक्कत होती है अब तो दिक्कत खत्म रोड ही बढ़िया हो गया आराम से बैठ के आइए बैठ के जाइए तो बच्चों वाहन की सुविधा हो गई आप देख रहे हैं और इस विद्यालय की एक और खासियत अपने पूरे क्षेत्र में पूरे सिविलगंज क्षेत्र में किसी भी भले इंटर कॉलेज भी हैं कई एक है, लेकिन किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में इतनी बड़ी लैब नहीं है जितनी बड़ी लैब अपने यहाँ है समझ रहे एक क्लास पूरा एक बार में सीखता है जाके अगर किसी स्कूल में होगी भी तो दो चार कंप्यूटर किसी के कमरे में रखे होंगे दो चार बच्चे सीखते हैं अपना छोड़ा बहुत काम किया बस छुट्टी और कंप्यूटर सीखने के लिए दो दो टीचर हमारे यहाँ सिखाने के लिए एक मेल टीचर एक फीमेल टीचर और स्कूल के बाद भी टीचर यहाँ पर रहता है कंप्यूटर सिखाने के लिए कोई बच्चा अलग से सीखना चाहता है या अलग से कंप्यूटर की कोचिंग करना चाहता है तो उसकी सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है आराम से दोपहर के बाद आइए टाइम सेट कर लीजिए चार बजे का तीन बजे का जैसा भी आपके पास समय है अपना कंप्यूटर सीखिए या कोई ऑनलाइन का काम है वो भी आप यहाँ करवा सकते हैं आपका बच्ची का फार्म भरना है कोई सरकारी नौकरी का फार्म डालना है या ग्रेजुएशन का बी ए बी एस सी का फार्म डालना है आपके लिए तो वो भी यहाँ पे सुविधाएं हैं वो भी आप यहाँ भर सकते हैं आए जाती वगैरह बनवाना ऑनलाइन करवाना है वो भी यहाँ सारी सुविधाएं हैं आपको कहीं आज जाने की आवश्यकता नहीं है बाहर और बच्चों आप देखते हो कि अधिकतर स्कूल्स में केवल आधे घंटे का लेक्चर होता है यानी कि एक पीरियड केवल आधे घंटे का होता है मात्र तीस मिनट आप तीस मिनट में टीचर को आने जाने में दो मिनट निकल जाएंगे अटेंडेंस लगाने में दो मिनट निकल जाएंगे तीन मिनट कुछ बच्चों को ग्रिप में लेने के लिए सैडनिक बना क्योंकि रूपरेखा बनानी पड़ती है ना पढ़ाने की तो उसमें दो तीन मिनट कुल मिलाकर बीस मिनट रह जाते हैं तो बीस मिनट की पढ़ाई होती है अधिकतर स्कूल्स में बीस मिनट ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती एक पीरियड में लेकिन हमारे यहाँ बच्चों पहला पीरियड आप देखिए पौन घंटे का यानी कि 45 मिनट का पहला घंटा पहला पीरियड होता है अब 45 मिनट में 10 मिनट मान लो हमारे निकल भी गए तो मैं बता रहा था कि अगर 45 मिनट में 10 मिनट हमारे चले भी जाएंगे अटेंडेंस में आने जाने में फिर भी आपको पूरे 35 मिनट की पढ़ाई मिलेगी हमारी तरफ देखिए पूरे पैंतीस मिनट की पढ़ाई किसी स्कूल में ऐसा होता नहीं है आप, अपने क्षेत्र में तो कहीं है ही नहीं केवल आधे घंटे का लेक्चर लगता है और लगातार सारे पीरियड्स लगते हैं अपने यहाँ सारे लेक्चर लगते हैं पाँच घंटे तक और हम तो कभी कभी सर से नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर एक सवा सवा बजे का टाइम है छुट्टी होने का आप कभी एक बीस कर देते हो सर तब बच्चों को छोड़ते हो हम सर से नाराज़ भी होते हैं कभी कभी तो आप देखिए केवल आपके लिए तो सर कर रहे हैं बोले चलो और पढ़ लो पाँच मिनट और पढ़ लो दो मिनट और पढ़ लो समझ गए ना अगर और सर देखो सर की लगन देखो पढ़ाने के लिए सर अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो घंटा ही नहीं बचाते बोले पढ़ा ले दो बढ़िया कर मिल लिए ज़्यादा सा अच्छा सा पढ़ा ले दो मुझे घंटा भी नहीं लगेगा हम लोग परेशान हो जाते हैं कि घंटा नहीं लगा घंटा नहीं लगा आपको ज़्यादा पढ़ाई देने के लिए देखिए कितनी यहाँ पे हम लोग कुर्बानी देते हैं एक तरह से कितनी मेहनत करते हैं या आपको समझना होगा और टीचर्स के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं अपने यहाँ एक से एक बढ़कर एक से एक काबिल टीचर आपको पढ़ाते हैं और पूरे आधे घंटे पढ़ाते हैं अब यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है कि हमारे लिए जो उस मौसम साथ दे रहा है हमारा कुछ बच्चे रनिंग के लिए कह रहे थे अब सोचेंगे क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो हो सकता है कुछ बच्चों की करा दी जाए वैसे अभी गर्मी थी अब थोड़ा मौसम ठंडा है अच्छी बात है आराम खड़े रहो दो मिनट अगर दो मिनट ज़्यादा हो तो कोई टेंशन नहीं है अब और आप देख रहे हो हर कमरे में पंखे हैं अभी एक दो साल पहले ये सुविधा नहीं थी हमारे यहाँ लेकिन अब हर कमरे में पंखे ऊपर भी हैं नीचे भी हैं चार चार पंखे लगे हुए हैं एक छोड़ो चार चार तीन तीन चार चार पंखे लगे हैं कमरे में आराम से बच्चे बैठे हैं बढ़िया सा फर्नीचर भी है देखिए कोई कमी नहीं ऊपर क्लास में देखो इतने हमारे एडमिशन हुए हैं कि एक क्लास में सीटें कम पड़ी अलग से डालनी पड़ी इतने एडमिशन किसी स्कूल में हुए नहीं है इस क्षेत्र के और हमारे विद्यालय के जो मैनेजर साहब हैं माननीय राजू सर वैसे तो आप देखते हैं किसी स्कूल में कोई मैनेजर पढ़ाता नहीं है क्लास में जाके केवल टीचर्स पढ़ाते हैं वो केवल देखते हैं कि कहाँ पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है कुछ तो देखते भी नहीं है ऑफिस में बैठे रहे हैं। बात ख़त्म कि ने पढ़ाया क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया बस पैसे बटोरे हो गया काम ये होता है लेकिन हमारे यहाँ के जो मैनेजर सर हैं वो व्यवस्था के साथ साथ क्लास में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए और टीचर्स भी दो मतलब फोर्स करते हैं कि भाई और बढ़िया पढ़ाओ और बढ़िया पढ़ाओ और बढ़िया पढ़ाओ ये केवल आपके अच्छे भविष्य के लिए आप अच्छे बन जाएं ज्ञानवान बन जाएं केवल इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है बात नहीं बच्चों और प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात इतना बड़ा स्टेज आसपास के स्कूल में तो कहीं है नहीं और स्टेज की वजह से आप लोग के अंदर की जो प्रतिभा है वो निकल के बाहर आ सक रही आ सक रही है निकल के आपके सामने आप सबके सामने पेश कर पा रहे हैं छोटे छोड़ छोटे बच्चे यहाँ पे कुछ सुना पा रहे हैं कुछ बोल पा रहे हैं इससे भी अच्छी सुविधा आप थोड़ी सिस्टम लगा हुआ माइक लगा हुआ है पूरा सिस्टम जो वीडियोस का है वीडियो भर रही है और पूरी दुनिया में ये जा रही है यूट्यूब पर लोग अपलोड की जाती है तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोग देख रहे होंगे आपके स्कूल के बारे में आपके लिए देख रहे होंगे आप कैसा बोल रहे हैं कैसा सुना रहे हैं आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर ये कहीं और नहीं अपने क्षेत्र में पूरे बरेली ज़िले में नहीं है किसी स्कूल में नहीं है ऐसा आप सर्च सर्च मारो किसी नेट पे या गू गूगल पर या यूट्यूब पे किसी भी कॉलेज का अगर निकला है कोई कॉलेज ऐसा नहीं कर रहा है केवल अपने ऐसी सुविधा है ये आपको फेमस करने के लिए स्कूल को फेमस करने के लिए समझ रहे हैं ना और प्यारे बच्चों कहीं कहीं देखा है कि कम बच्चे होते हैं क्लास में तो कक्षाएं कंबाइन कर देते हैं क्लास कंबाइन कर देते हैं मिला देते हैं लेकिन हमारे अगर चार बच्चे भी हैं ना एक क्लास में पहली बात तो ऐसा है नहीं किसी क्लास में चालीस पचास से कम बच्चे ही नहीं हैं एक परसेंट मान लो अगर कम भी होते हैं ना कभी बाई चांस स्टार्टिंग में तब भी क्लास अलग ही रहती है अलग थी पढ़ाता है एक बच्चा बैठा तब भी अलग पढ़ाने जाएगा ये आपने देखा है खुद बताने की ज़रूरत ही नहीं है तो बच्चों ये सब सुविधाएं केवल और केवल आपके अच्छे भविष्य के लिए आपके अच्छी पढ़ाई के लिए की जाती हैं और कमरों की बात की जाए हमारे यहीं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कमरे अगर कम बच्चे हैं तो तीन क्लास भी एक साथ चल सकती हैं लेकिन फिर भी अलग बैठा लेते हैं हम लोग और कितनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं जैसे कि हवा जरासी भी चले तो आपको लगे हवादार उधर पीछे से ही बड़ी बड़ी खिड़कियाँ समरा केवल केवल आपको प्राकृतिक माहौल मिल सके अच्छा आपका स्वास्थ्य रहे अच्छी हवा मिले हर तरफ़ से इसलिए हवादार कमरे बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं आपकी पढ़ाई के लिए और हर तरफ़ हर क्लास में अच्छा सा फर्नीचर है बढ़िया सा फर्नीचर आप देखते हो अगर कोई बेंच राशि भी क्रैक हो जाती है तो दूसरी डाल देते हैं हम लोग बच्चों कल तुम्हारी बेंच चेंज हुई किसने ने शिकायत की थी मुझसे सोनी चेंज हो गई बेंच देखो उनकी बेंच थोड़ी सी चटकी थी तो मैंने कल्ली चेंज करवा दी हमारे पास फर्नीचर कमी नहीं है बहुत फर्नीचर है ये भी भर जाएगा तो और बनवा लेंगे टेंशन फ्री एकदम और देखो क्लास में पढ़ाने के लिए बच्चों आप देखते हो अधिकतर स्कूल्स में लकड़ी के बोर्ड ले आते हैं थोड़े थोड़े व्हाइट बोर्ड चार बाई चार के ले आए पाँच बाई चार के छः बाई चार के इस तरह से या फिर इतने ही इतने ही इतने ही, ही साइज़ के सीमेंटेड बनवा दिए लेकिन हमारे यहाँ पूरी पूरी दीवार पे बोर्ड बनवा दिए हैं सर ने जिससे कि आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई मिल सके टीचर खाली ना बैठे पूरे एक पीरियड पूरे घंटे आपको पढ़ा सके समझा सके बढ़िया से डायग्राम बना के समझ रहे हैं। ये सब केवल आपके लिए सुविधाएं की गई हैं आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए सुविधाएं की गई हैं और इससे भी ख़ास बात आप देख रहे हो कि हमारे विद्यालय के तीन चैनल हैं अब तो गेट पे भी आपने देखा होगा लिखवा दिया है सर ने तीन चैनल हैं उसमें दो चैनल इस समय स्टार्ट हैं चालू हैं और एक चैनल आने वाले टाइम में जल्दी में ही चालू होने वाला है पहले चैनल का नाम है आर पी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर और दूसरा चैनल है इंग्लिश वायर राजीव प्रजापति तीसरा चैनल है आर पी न्यूज़ द न्यूज़ ये चैनल अभी जल्दी में स्टार्ट होगा इससे हम लोग ए, मीडिया के क्षेत्र में कदम रखने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि यहाँ जहाँ तक की खबरें स्कूल की खबरें आस पास क्षेत्र की खबरें वो इस चैनल पर जाएंगी और हो सकता है न्यूज़पेपर में भी जाएँ ये हमारे हमारा प्रयास है आने वाले टाइम में और बच्चों सबसे बड़ी बात खुशी की बात कि आप बाय चांस अगर स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किसी दिन या दो चार दिन कहीं चले गए कहीं मेहमानी में चले गए तो आप वहीं पे ही अगर आपका भी फ़ोन नहीं है आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो तो वहाँ पे फ़ोन होगा उनके पास हर जगह एंड्रॉयड फ़ोन है बड़ा फ़ोन है वहीं पर आपने फ़ोन लिया अपने फूफा का मौसा का जो भी हैं थोड़ा सा खोला आर पब्लिक स्कूल जो कि ठेस यूट्यूब पर डाला तुरंत आ जाएगा अरे आज क्या पढ़ाया हुआ पहले क्या पढ़ाई हुई उस दिन भी क्या सुनाया बच्चों ने आराम से आप देख सकते हो समरे प्यारे बच्चों अच्छा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि सब बच्चों को सब्सक्राइब करना है चैनल तो ईमानदार से बताओ कितने बच्चों ने जो पहले कच्चकों ने क्या अलावा और कितनों ने किया है आज अब तक गिनूंगा मैं गिनूंगा देखो अच्छा एक दो तीन चार पाँच छः ढाई पंद्रह सोलह चलो बहुत बढ़िया काफ़ी बच्चों ने किया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो आस के क्षेत्र है अपने आस गली मोहल्ले के लोग हैं उनसे भी आप अपने स्कूल की विशेषताएँ शेयर कीजिए बताइए अपने विद्यालय के चैनल के बारे में बताइए जिससे उन लोग को भी हमारे विद्यालय की खूबियाँ खासियत और जो विशेषताएँ वो पता लगें जिससे उनके बच्चे भी यहाँ आके अच्छी शिक्षा ले सकें ऐसा बच्चों आपसे अपेक्षा करते हैं हम तो प्यारे बच्चों एक बार हमारी तरफ फिर से देखेंगे सावधान धन ऐसे खड़े हो ये ये जो बच्चा छोटे बच्चे, बच्चे बोल रहा है मेरे पास आ जाएंगे सब माइक पे बोलो इससे आपकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी वहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे आई आवाज़ आपकी शांत रहो दो मिनट अब देखो प्यारे बच्चों ये बहुत सारी बातें जो आपको पता ही हैं पहले से ही लेकिन फिर भी मैंने आज आपको दोहराई जिससे कि आप इन सब का जो प्रचार है यानी कि इन सब के बारे में विद्यालय के बारे में जो खूबियाँ हैं वो दूसरे के जाके कर सकें और इसके बाद देखो अब तक हमारे यहाँ जो पर्व होते थे राष्ट्रीय पर्व तो ज़्यादा नहीं मनाए जाते थे छब्बीस जनवरी पर कार्यक्रम होता था अपने यहाँ बाकी हम लोग ऐसे ही ध्वजारोहण करते थे और बस लेकिन इस बार मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आपने इस तरफ गौर किया है इस बार पंद्रह अगस्त में भी हमारे यहाँ खूब धुआंधार कार्यक्रम होगा और टीचर्स डे पे भी कार्यक्रम होगा पिछले साल हम लोगों ने अपने मन से ही थोड़ा बहुत ऐसे कर लिया था सर से हमने सलाह नहीं ली थी लेकिन इस सर को थोड़ा अच्छा लगा तो इस बार सर का भी मन है कि कुछ अच्छा किया जाए और बाल दिवस पे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है उस दिन उस दिन भी कुछ ना कुछ हम लोग कार्यक्रम कराएंगे इस मंच के माध्यम से छब्बीस जनवरी भी तो होता ही होता है इस साल भी होगा पहले साल थोड़ी ट्रेजिडी हो गई थी हमारे यहाँ इस वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया और फेयरवेल पार्टी का तो कार्यक्रम हर साल होता ही है पिछले साल भी इसी वजह से नहीं हो पाया लेकिन इस बार सारे कार्यक्रम बढ़िया से होंगे और हमारे यहाँ इस बार नए नए बच्चे भी आ गए हैं जो अच्छी परफॉर्म करते हैं तो सभी बच्चों से मेरी अपेक्षाएँ आशाएँ हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से अपना अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर जाकर यहाँ भी करेंगे आज फ्राइडे है आज, आज आपका हाफडे होगा हाफडे के बाद वो सारे बच्चे रुक जाएंगे जिन्होंने कार्यक्रम के लिए अपना नाम लिखवा दिया है कल अपने क्लास टीचर के पास वो सारे बच्चे रुक जाएंगे थोड़ी देर यहाँ हम आपसे जो भी आपका कार्यक्रम है वो देखेंगे सुनेंगे थोड़ा मतलब करवा के देखेंगे और जज करेंगे कि आपका कार्यक्रम मंच पे पेश करने के लायक है या नहीं है कौन बढ़िया कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब देखने के बाद फिर क्लियर करेंगे कितने कार्यक्रम यहाँ पे दिए जाए तो सारे बच्चे बढ़िया से बढ़िया यहाँ परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे और आज कुछ बच्चे बेचारे कल नहीं नाम लिखवा पाए थे भूल गए थे मम्मी पापा से पूछना तो वो बच्चे आज पूछकर आए हैं एक दो बच्चे सुबह कह रहे थे मुझसे तो वो बच्चे आज अपने क्लास टीचर के पास अपना नाम दर्ज करा देंगे कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम का नाम अपना नाम क्या कार्यक्रम है वो सबको नोट करा देंगे ठीक है तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी भाई को विराम देता हूँ जय हिंद जय भारत आप देखिए प्यारे बच्चों आपके सामने देखिए अभी हमारे बीच में जो संचालन कर रहे थे श्री महेंद्र कुमार राजपूत जी आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं बहुत ही अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं और सभी क्लासेज को पढ़ाते हैं कंपटीशन लेवल को भी पढ़ाते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताएं और बहुत सारी बातें बता दी जो मुझे बताना चाहिए थी और स्कूल के बारे में जितनी विशेषताएं थीं सभी बता दी तो देखो बच्चों एक सेकंड का एक मिनट का टाइम लूँगा देखिए पूरी साल पढ़ाई जब होती है आप पूरी साल पढ़ाई में एक भी लेक्चर आपका खाली नहीं जाता एक भी पीरियड आपका खाली नहीं जाता ये एक सबसे बड़ा सबूत है यह सबसे बड़ा प्रूफ है कि आरपी पब्लिक स्कूल कैसा स्कूल हो सकता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यह अपने आप में अजूबा है मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद ही कहीं होता होगा यह मेरा प्रॉमिस है कि और प्रॉमिस क्या है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि पूरी साल में एक भी लेक्चर एक भी पीरियड खाली नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास रिजर्व सरप्लस में टीचर्स इसीलिए रहते हैं कि अगर कोई कहीं पर भी कोई सर कोई एक्सपर्ट नहीं आए तो उनकी जगह है हम दूसरे टीचर को लगाते हैं और दूसरे टीचर को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे का समय बर्बाद ना हो बच्चे का टाइम बर्बाद ना हो ध्यान से सुनना बच्चों अब आप कहेंगे सर समय देखिए समय से बढ़कर कुछ नहीं है आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने एक डायलॉग बोला था उन्होंने कहा था टाइम इज़ गॉड देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस उन्होंने बोला उन्होंने कहा टाइम इज गॉड फिर उन्होंने दूसरी लाइन बोली थी टाइम इज़ मनी फिर तीसरी लाइन उन्होंने बोली थी टाइम इज ऑल के बक्ति सब कुछ है तो प्यारे बच्चों अगर आप आए और आपका समय बर्बाद हुआ तो आपका नुकसान आपको होगा वो एक लाइन नहीं है क्यों गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा चाय हो हमारा और चाय हो तो इन्हीं चीजों को इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया कि पढ़ाएंगे तो बेमिसाल पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि बच्चा जब यहाँ से निकलेगा तो याद करेगा कि किसी स्कूल में पढ़े क्योंकि हम आपसे जो है दिली रिश्ता बना रहे हैं यहाँ से जो बच्चा जाता है वो ये कहता है कि सर मैं किसी कंपनी में गया किसी फैक्ट्री में गया और मैंने नौकरी का फॉर्म भरा मेरा सिलेक्शन हो गया और दूसरे स्कूल वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ और जो बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं उनके लिए मैं एक बार अवश्य समझाता हूँ कि बच्चों भटकीिए नहीं जाइए नहीं आप मुझे बताइए जिस शख्स ने कई बार आई एस का एग्ज़ाम दिया हो तमाम कम्पटिशन्स में जो व्यक्ति बैठा हो तमाम बड़े बड़े हालांकि मुझे अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहिए लेकिन मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये मैसेज मिल सके कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं तो तो बच्चों आप ये बताइए आप उन सर के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं और दूसरी बात देखिए यहाँ पर मैथ की कई कई फैकल्टी केमिस्ट्री के सर हैं यहाँ पे फिजिक्स के अलग सर हैं बायो के एक्सपर्ट्स अलग अलग हैं अभी अभी एक दो टीचर बायो के मैं और बुलाने वाला हूँ एक दो कंप्यूटर के सर और बुलाने वाला हूँ ताकि आपकी बेहतरीन पढ़ाई हो सके बच्चों पढ़ाई से मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ अगर कोई बच्चा इतने पर भी अगर नहीं पढ़ना चाहे तो हम क्या करें इसीलिए मैंने एक सेंटेंस लिखवा रखा है आप जैसे ही विद्यालय में घुसेंगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है एज माइंड एज फाइंड माने जैसा आप मन में विचार बना लोगे वैसा ही नज़र आएगा जैसा मनोज सोचता है उसको वैसा ही नज़र आएगा ये मेरा खुद का डायलॉग है इस डायलॉग का निर्माता मैंने बहुत सारे डायलॉग बनाए लेकिन ये डायलॉग कभी मैं बुक लिखूंगा अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं है आने वाले समय में आपको मेरी बुक पढ़ने को मिलेंगी अगर ईश्वर माता रानी का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहा तो बहुत जल्दी आपके लिए मेरी खुद की लिखी हुई बुक्स मिलेंगी और उसमें ये इस टाइप के डायलॉग आपको मिलेंगे मेरा और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जैसे एक मेरा अपना है कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है सिर्फ एक बोलने की कला है ये भी मैंने लिखा है कि इंग्लिश इज़ नथिंग बट एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सिर्फ़ एक बोलने की कला है जिस बच्चे को इंग्लिश बोलना आ गई उसे इंग्लिश आ गई जिस बच्चे को इंग्लिश बोलना नहीं आई इंग्लिश पढ़ना नहीं आई उसे इंग्लिश नहीं आई और इसका एक राज है फोनेटिक इंग्लिश जो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि फोनेटिक इंग्लिश के द्वारा कैसे इंग्लिश बोलते हैं तो प्यारे बच्चों ये आपका नसीब है नसीब है आप बना लो और कहीं पर भी अगर जो है आप भटक गए आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके दिमाग में फतूर बैठ गया तो सिर्फ आपका नुकसान होगा यही मैं आपसे कहना चाहता हूं बिल्कुल भी छुट्टी मत करिए क्योंकि आप याद रखो जिन जिन बच्चों ने सुनो ध्यान से जिन जिन बच्चों ने अपना समय बर्बाद किया जो जान पहचान में चले गए जो भाई भतीजे बंद में चले गए जो रिश्तेदारी नातेदारी की वजह से चले गए जो बच्चे इसीलिए चले गए कि स्कूल के मैनेजर सर उनके घर पे कई बार आए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सिर्फ उनका नुकसान हुआ है आप उस स्कूल में जाइए जहाँ के मैनेजर सर पढ़ाते हो उस स्कूल में जाइए जहाँ पर एक से बेहतरीन टीचर पढ़ाते उस स्कूल में जाइए जहाँ पर कायदे कानून हैं उस स्कूल में जाइए जहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित हैं उस स्कूल में जाइए जहाँ पर लड़के सुरक्षित हैं यहाँ पर एक एक बच्चा अपने आप में सुरक्षित है किसी बच्चे का बाल बांका हो नहीं सकता यहां पर नियम कानून है हर सिस्टम अलाव है आज तक बताओ किसी लड़की को कोई परेशानी हुई हो किसी लड़के को कोई दिक्कत हुई हो लेकिन अपने समय को बर्बाद मत करिए क्योंकि अगर आपका समय इधर उधर एक खोखले स्कूल में पढ़ने से चला गया तो आपको नुकसान होगा मैं आपको इस समय के बारे में एक लाइन और बताऊंगा कि जिन जिन बच्चों ने समय बर्बाद किया जिन जिन लोगों ने समय बर्बाद किया तो समय एक दिन उनको ज़रूर बर्बाद करता है ये विलियम शेक्सपियर का डायलॉग है उन्होंने सेंटेंस बोला था आई वेस्टेड टाइम ना टाइम वेस्टेड मी और हिंदी में इसे एक जुमले के तौर पे कह रहा हूँ कि वक्त को जिसने ना समझा ध्यान रखना बच्चों समय से बढ़कर कुछ नहीं है इसलिए आप डेली आइए समय का सदुपयोग सदुपयोग करिए काबिल बनिए लाइन है कि वक्त को जिसने न समझा वक्त को जिसने ना समझा उसे मिटना पड़ा है और जो बच्चा वक्त को नहीं समझता है ऐसे वैसे स्कूलों में पढ़ता है वो इतना वीक हो जाता है इतना कमज़ोर हो जाता है कि अगर उसे फूल भी मार दोगे तब घायल हो जाएगा तब वो ख़त्म हो जाएगा के वक्त को जिसने वक्त जि, को जिसने ना समझा उसे मिटना पड़ा है और बच गया फूल से तो तलवार से कटना पड़ा है तो प्यारे बच्चों आप आरपी पब्लिक स्कूल में आ गए आपकी बेहतरीन पढ़ाई होगी ये मेरा प्रॉमिस है ये मेरा दावा है लेकिन यह है कि बिल्कुल भी छुट्टी मत करिए डेली आइए अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास आइए और मुझे बताइए क्या दिक्कत है पहली बात तो ये है कि आपको मेरे होते हुए कोई दिक्कत नहीं हो सकती अब मुझसे भी ज़्यादा काबिल मेरे यहाँ के टीचर्स हैं तो आपको रत्ती भर परेशानी नहीं, नहीं होगी तो बच्चों खूब पढ़िए और आगे बढ़िए थैंक यू वेरी मच एक शेर और कह दे रहा हूँ बच्चों के लिए नो टॉकिंग देखिए अभी माननीय महेंद्र सर ने अभी मुझे अभी बताया सबको कि मैं टीचर्स लोगों से कितनी मेहनत कराता हूँ मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ पहले हमारे यहाँ तीस मिनट का लेक्चर होता था लेकिन बच्चों का फ़ायदा कम होता था मैंने कहा तीस का पैंतीस करूँगा चाहे भले मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैंने तीस का पैंतीस मिनट कर दिया पहला लेक्चर पैंतालीस मिनट का कर दिया बताओ बच्चों आपका फ़ायदा हुआ तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके लिए मैं कितनी इज्जत देता हूँ कितना समझता हूँ कितना ईश्वर से दुआ करता हूं यह आपको एक शेर के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी आंखों में आए प्यारे बच्चों आपकी आंखों में कभी आंसू ना हो यह मेरी दुआ है आप भी ऐसी दुआ दोगे कि मेरी आंखों में भी आंसू ना हो कि आपकी आंखों में कभी आंसू ना हो और मेरी दुआ है कि आप सभी बच्चों के जीवन में कभी कोई गम ना हो और आपको सुन लो पूरा सुन लो पूरा आपकी आंखों में कभी आंसू ना हो और आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो और आपको जीवन में मिले हर एक खुशी भले उन खुशियों में हम ना हो एक लाइन और कहूंगा एक लाइन और कहूँगा प्यारे बच्चों जो जो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं जब जाते हैं तो बड़े खुशी में जाते हैं क्योंकि स्कूल वाले उनको लेके जा रहे हैं टॉफी तैयार है और सब खुशी में जाते हैं लेकिन जानते हो दो महीने बाद दो महीने बाद उन बच्चों को मैं सपने में नजर आने लगता हूँ स्कूल जो है ये सपने में नज़र आने लगता है कि यार आरपी पब्लिक स्कूल में दोबारा क्या मुँह लेके जाए तो एक लाइन है ये लाइन है कि माना के सारा जहां तुम्हारे साथ होगा ये मान लिया के सारा जहां तुम्हारे साथ होगा और खुशी का हर लम्हा तुम्हारे पास होगा लाइन है कि माना के सारा जहां तुम्हारे साथ होगा और खुशी का हर लम्हा तुम्हारे पास होगा माना के सारा जहां तुम्हारे साथ होगा आने वाले समय में सारा जहां तुम्हारे साथ होगा ही भाई डीएम बन जाओगे तो और खुशी का हर लम्हा तुम्हारे पास होगा लेकिन जिस दिन चले जाओगे आप आरपी पब्लिक स्कूल और राजू सर से दूर उस दिन आपको इस स्कूल की कमी का एहसास होगा तो प्यारे बच्चों थैंक यू वेरी मच इसी तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए क्योंकि ये देश आपका इंतजार कर रहा है आने वाले समय में इस देश की बागडोर आपको संभालनी है तो थैंक यू प्यारे बच्चों